ये लड़ाई लोकतंत्र की है, ये लड़ाई राहुल जी के लिए सदस्यत्व के लिए नहीं है, ये लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाने के लिए। राहुल गांधी जी विजयी होंगे और लोग और ना सिर्फ सदन में बैठेंगे पर वो इस देश के प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। ओबीसी कौन है? ललित मोदी ओबीसी है, मेहुल चौकसी ओबीसी है, नीरव मोदी ओबीसी है, जो केस डाला है वो ओबीसी है क्या? हाँ, ये लोग बोलते हैं सारे हिंदू है, कोई जात पात नहीं है, अचानक चार दिन से ओबीसी याद आ गए। मोदी जी ने ललित मोदी को और दूसरा मोदी कौन है? नीरव मोदी, इन दोनों को ओबीसी बुला के पूरे देश के ओबीसी को गाली दिया है, पूरे देश के ओबीसी को चोर साबित कर रहा है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। मुझे विश्वास है पूरा ओबीसी एकजुट होके इनको बता देंगे कि ओबीसी को चोर बुलाना क्या होता है। जेपी का पास एक वॉशिंग मशीन है और उसके साथ एक वॉशिंग पाउडर है। इस देश का कोई भी चोर हो, इस देश का कोई करप्ट हो, इस देश का कोई भी मर्डरर हो, इस देश का कोई भी बलात्कार हो, वो सबको उसमें एक बार डाल के ऊपर करेगा, वो सफेद हो जाएगा। ऐसे गलत किया नहीं है, माफी मांगना है मोदी को, मोदी नीरव मोदी को भागने दिया माफी मांगना, अडानी को पैसा दिया माफी मांगना, बेरोजगार युवा से माफी मांगना, मोदी को माफी मांगने के लिए। राहुल गांधी को लेके किस तरह के उनका सदस्यत्व रद्द करने का काम किया है प्लान करके, हमारा मांग क्लियर है। जेपीसी कमेटी कब लागू कर रहे हैं? 20,000 करोड़ कहां से आया, किसका पैसा है वो बताए। जेपीसी का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ओबीसी के अपमान का है। ओबीसी कौन है? ललित मोदी ओबीसी है, मेहुल चौकसी ओबीसी है, नीरव मोदी ओबीसी है, जो केस डाला है वो ओबीसी है क्या? हाँ, ये लोग बोलते हैं सारे हिंदू है, कोई जात पात नहीं है, अचानक चार दिन से ओबीसी याद आ गया इनको। हाँ, ये देश का दिमाग घुमराने के लिए, लोगों का अडानी के ऊपर कोई आवाज ना उठाए, उसी लिए ये है। राहुल पहले प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, अब कांग्रेस कोर्ट का अपमान कर रही है क्योंकि फैसला तो कोर्ट ने दिया है। कोर्ट का कभी हमने अपमान किया नहीं है, हम रेस्पेक्ट करता है। जो उनका प्रोसीजर को लेके हमने विरोध कर रहा है, जो खुद ही स्टे लिया था 7 फरवरी राहुल जी ने जो सवाल उठाए वापस ले लेते हैं, वेकेंट कर देते हैं, तुरंत उसका शॉर्ट डेट दे देगा, जज बदलेगा, जजमेंट हो जाएगा, फिर सस्पेंड हो जाएगा 24 आवर्स। अपराधी बीजेपी के नेताओं के साथ मंच पे बैठे हैं, क्या कहेंगे इस पे? कौन इल्किस बानो के अपराधी बीजेपी नेताओं के साथ मंच पे बैठे? बीजेपी का पास एक वॉशिंग मशीन है और उसके साथ एक वॉशिंग पाउडर है। इस देश का कोई भी चोर हो, इस देश का कोई करप्ट हो, इस देश का कोई भी मर्डरर हो, इस देश का कोई भी बलात्कार हो, वो सबको उसमें एक बार डाल के ऊपर करेगा, वो सफेद हो जाएगा। ये लड़ाई लोकतंत्र की है, ये लड़ाई राहुल जी के लिए सदस्यत्व के लिए नहीं है, ये लड़ाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाने के लिए। आप संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे भी कर रहे हैं, लगता है सरकार को फर्क पड़ता है? 100% फर्क सड़क पे ही देगा, कर्नाटक चुनाव तक आपको वेट करना है। कर्नाटक में 40% सरकार है बीजेपी का, उसको उकाड़ के फेंकेंगे। देखिए राहुल गांधी जी हर इंसान के, हर देशवासी के दिल में है। राहुल गांधी जी सदन में हो या सदन में नहीं हो, वो जनता के हित की आवाज उठाते रहेंगे। जिस तरीके से सत्ता में बैठा हुआ सरकार एक मजबूत ऑपोजिशन की आवाज को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए और साथ ही साथ और भी एमपी को डराने के लिए ये है कि आप अगर अपनी आवाज उठाओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई, हम ऐसे इस इन तरीके से ऐसे हथकंडे अपनाएंगे, आपको
डिस्क्वालीफाई कर, ये एक तरीके से बाकी सारे एमपीस को एक डर का माहौल खड़ा करने के बराबर है। मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि राहुल गांधी जी विजयी होंगे और लोग और ना सिर्फ सदन में बैठेंगे पर वो इस देश के प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। वो ऐसे ऐसे काम करिए जो शानदार है। अगर आप देखिए सच्चाई की जीत होती है और हमें देश में अभी भी उच्च न्यायालय पे वगैरह पे विश्वास है, उस विश्वास के दम पे मैं कहती हूँ सच्चाई की जीत होगी और राहुल गांधी जी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, विपक्ष एकजुट हो चुका है, विपक्ष सब इस मुद्दे पे एक साथ चुनाव एक अलग बात है पर इस सरकार ने जिस तरीके से, क्योंकि आज कांग्रेस के आज राहुल गांधी जी हो सकते, कल कोई भी, कल इसमें से और कोई भी एमपी हो सकता है। विपक्ष एकजुट है। माफी की बात चल रही है उसको लेकर क्या कह रही है, माफी मांग ली जाए चीज को जोड़ना। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी ने कोई गलत चीज कहा? नहीं, हम उस देश में हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें ये बोलने की आजादी देता है कि हमारे मन में क्या है और जो सच्चाई है वो लोगों के सामने बताने की ये बात बोलना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में है। 2024 के लिए सब कुछ हो रहा है, ये जो हो रहा है वो देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए हो रहा है। मोदी जी ने ललित मोदी को और दूसरा मोदी कौन है, नीरव मोदी, इन दोनों को ओबीसी बुला के पूरे देश के ओबीसी को गाली दिया है, पूरे देश के ओबीसी को चोर साबित कर रहा है नरेंद्र मोदी और उनके सरकार। मुझे विश्वास है पूरा ओबीसी एकजुट होके इनको बता देंगे कि ओबीसी को चोर बुलाना क्या होता है। सत्याग्रह के बाद अब जंतर मंतर पर आप लोग आए हैं, कितनी उम्मीदें लग रही हैं राहुल गांधी की वापसी हो पाएगी? नहीं, राहुल गांधी जी कभी मैदान से बाहर ही नहीं थे। राहुल गांधी जी ने जिस तरह देश के युवाओं की बातें सदन और सड़क में रखी, जिस तरह बढ़ती महंगाई की बातें सदन और सड़क में रखी, जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो महल खड़े करने का काम मोदी जी और उनकी सरकार ने किया था, अदानी को, सारे संस्थानों को, सरकारी रेलवे को, हवाई अड्डे को जिस तरह से बेचने का काम किया, अपनी मित्रता दिखाने का काम किया, तो राहुल जी ने लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ी है और राहुल जी आज भी लड़ रहे हैं। संसद सदस्यता खत्म कर देने से देश की जनता से दिल से राहुल जी को नहीं निकाला जा सकता। राहुल जी देश के जनता के दिल में, हम युवाओं के दिल में। बिल्कुल, जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत जो भी होगा वो करेंगे, लेकिन समय ये क्यों? 2019 का केस आज 2023 में अचानक से खोला जाता है और अचानक से सजा दिया जाता है। राहुल गांधी जब अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं तो राहुल जी के घर में पुलिस का समन क्यों? राहुल जी के घर में पुलिस क्यों? ईडी का बुलावा क्यों? सिर्फ इसीलिए कि वो मोदी जी के मित्र के बारे में बोलना छोड़ दे, मोदी जी के मित्र के बारे में देश के सामने सही चेहरा मोदी जी और अडानी का ना लाएं, यही वो चाहते हैं। ओबीसी का अपमान बता रहे हैं, ओबीसी समाज का कह रहे हैं, 24 से इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। जिस परिवार ने अपने खून से इस देश के विकास के लिए, इस देश को, इस देश की एकता के लिए अपना खून दिया हो, उस परिवार के साथ धर्म और जाति की राजनीतिक बात करना बेमानी है। हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी को, एससी को, पिछड़ा को, मजदूर को, गरीब को उठाने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी ही उसका उदाहरण है और कोई भी नहीं। क्या लगता है वापस हो पाएगा? अगर माफी मांग ले राहुल गांधी तो क्या लगता है? राहुल जी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल जी जो लोगों को बोलते हैं डरो मत, उनको कोई डरा सकता है क्या? तो ये बात तो कहीं भी नहीं है कि राहुल जी माफी मांगेंगे, लेकिन
जो कानूनी प्रक्रिया है उसका सम्मान करते हुए कानून ही रूप से भी आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ सड़क की लड़ाई। कानून का सम्मान कर रहे हैं तो फिर ये क्या है सड़कों पर? ये तो मोदी के खिलाफ है, मोदी सरकार है, सरकार से जनता की उम्मीदें बंधी होती है। सरकार को सही रास्ते पे चलाने के लिए एक राजनीतिक दल का भी काम होता है और एक देश की जनता का भी काम होता है और एक पदाधिकारी का भी काम। राहुल जी की सदस्यता रद्द होने का विरोध आप नहीं कर रहे क्या? राहुल जी की सदस्यता का विरोध जो है वो होना चाहिए, रद्द जो हुआ है इसीलिए, क्योंकि जो समय है वो समय सही नहीं है। सरकार के दबाव में जो कुछ कराया जा सकता है वो मोदी जी कर रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।